नमस्कार, मैं हूं रंगीला 2.0 का वाच में। आज हम बात करेंगे तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में लगभग 2-3 दिन पहले अनाउंस हुआ था कि पीजी का सभी कॉम विभाग से यूनिवर्सिटी से हर चीज अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन अब तक कोई सर टीचर और कोई कार्मिक नहीं आया है। यहाँ तक कि कोई गेट भी नहीं खुला है, सिर्फ मेन गेट का 2 गेट खुला है, काउंटर काउंटर सभी बंद है। कहा गया था कंट्रोलर के द्वारा कि सभी सेवा भरपूर मिलेगा, विभाग से ही मिलेगा और जो जरूरी पड़ेगा वो वहाँ पर देखा जाएगा। जब छुट्टी का दिन है, देखिए शनिवार का जो महाकाल का पूजा होता है भोलेनाथ का, उसको तो सब दिन को पता है कि छुट्टी होगा। और रविवार तो झांसा में नहीं आएगा, झांसा में कौन आएगा। देखिए जब अलाउंस हुआ है तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे काम होगा, लेकिन काम होगा तो कहाँ गया। यूनिवर्सिटी को खुद समझना चाहिए, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल करके विभाग खोल करके हम बिस्तर पर सोए रहेंगे तो हर विभाग को अपना कार्य काम बांट देता। भाई 10 रुपया का फॉर्म है, 20 रुपया लेना, लेकिन सभी का काम कर देना, ये सब होना चाहिए। लेकिन शनि रविवार का अलाउंस जो हुआ है तो खुद उसको करना चाहिए, बताइए क्या करें। हम जमालपुर की तरफ से आए हैं, कोई पीरपैती कहलगांव हाई लेवल की उस तरफ से आता है, कोई बाका की तरफ से आता है, उसको कितना परेशानी होता है। जो हाई लेवल की तरफ से आता है उसको 200 रुपया चक्कर लगता है, बाका की तरफ से आता है तो 200 चक्कर लगता है, ट्रेन जो आता है उसको भी 200-300 का चक्कर लगता है। ये विद्यार्थी इसी तरह हर विभाग का ऐसे बैठते बैठते इंतजार करते करते शहर विभाग में चला गया है। यहाँ की जिस विभाग में हम आते हैं वो विभाग तो खुला हुआ है, वो नियम का पालन कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी चैन का नींद ले रहा है। चलते हैं, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना सा है।